लेकिन कमीशन का कैलकुलेशन तो सम गड़बड़ है ना सर। आप कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है आप देख पाएंगे कि मैं चाहता हूँ फील्ड को कैलकुलेट नहीं करना, हम आइटम्स को कैलकुलेट करना है। आइटम जैसे मान लीजिए पूजा है और मान लीजिए कवि है और अजीत है, इसको टोटल करना है या कोई फॉर्मूला लगाना है इसके टोटल पे या कुछ और करना है। तो आप क्या करते थे, कंट्रोल सेलेक्ट करके और इसको राइट क्लिक करके क्या करते थे, ग्रुप कर देते थे। ग्रुप करते ही इस तरह से दो फील्ड बन के आ जाता है। मुझे ग्रुप नहीं करना है, ग्रुप में प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिल आइटम सेट में ही आपको यहाँ पे कैलकुलेटेड आइटम दिख रहा होगा और कैलकुलेटेड आइटम डीएक्टिवेटेड है। एक कब एक्टिवेटेड होगा, जब आप आइटम के ऊपर कर्सर रखेंगे, जैसे कि मैंने अभी यहाँ रखा, अब देखिए ये एक्टिवेटेड हो गया। कैलकुलेट आइटम, अब कैलकुलेट आइटम यहाँ नहीं कर सकता क्योंकि इस पिवट पे बहुत सारा कैलकुलेशन किया हुआ है, फील्ड कैलकुलेशन, इसलिए नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम एक अलग पिवट बनाते हैं, क्या उस पर होगा। कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम होती है, इसका ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखता हूँ, कैलकुलेटेड आइटम। अब मैं यहाँ पे मान लीजिए इन हाउस, इन हाउस, और यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया पूजा। वो जो इससे पहले नहीं हुआ था ना, उसका रीजन कैलकुलेशन नहीं था, ग्रुपिंग था। जब ग्रुप कर देते हो तो कैलकुलेटर आइटम वगैरह करने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे मैंने तीनों को सेलेक्ट किया, ऐड किया, मॉडिफाई किया। देखिए यहाँ पे इनवॉइस आ गया, लेकिन ध्यान है कि ये आपके टोटल को इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए देव का या आपका इन बाकी जीवों का जो टोटल है वो 2 बार 3 बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसी प्रॉब्लम कर सकता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए कि आपको किसी ने पिवट टेबल भेजा और उस पिवट टेबल में बहुत सारी कैलकुलेशन की हुई है, बहुत सारी कैलकुलेशन की हुई है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि जो कैलकुलेशन है वो पता चले, तो फिल सेटिंग के अंदर ही आपको लिस्ट फॉर्मूला दिख रहा है। इस लिस्ट फॉर्मूले पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नई सीट पे आपकी सारी की सारी कैलकुलेशंस यहाँ पे दिखा देगा। या आपने मैनुअल कैलकुलेशन किया हुआ है या आपको फॉर्मूला लगाए हुए हैं, यहाँ पूरा आपको दिख जाएगा।